रेखा गाइस, मैं पहुंच गया हूं अपने भाई के पास। ये मेरा बहुत देर से वेट कर रहा था, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से मेरे भाई को मेरा बहुत वेट करना पड़ा। और फाइनल जाके अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मायापुरी में फेमस छोले कुलचे वाला है, वहाँ जा रहे हैं हम, फिर आपको दिखाएंगे फेमस पीपीएफ। फेमस पीपीएफ। और मैंने आपको बताया कि जो हमारी कार है वो बहुत उसको बहुत केयर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमें ये पीपीएफ करानी ज़रूरी है, मैंडेटरी पड़ी है। तो अब आप प्लीज़ वेट कीजिए और आपको रिज़ल्ट थोड़ी देर में दिखने को मिलेगा। तो गाइस ये देखिए कैसे, ये कितने परफेक्ट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट, ये वो हैं। पूरी अच्छे से वो करके एक एक बबल्स भी नहीं आने देते हैं। ये देखिए बिल्कुल और इन्होंने, मैंने अभी अभी हम जस्ट अंदर आए हैं, मैंने ये नहीं देखा है कि इन्होंने कौन सा पार्ट कर दिया। लेकिन आप ये देखिए शाइन कैसे मार रही है इन्होंने, अभी ये सिर्फ जस्ट वॉश किया है। और ये मेरे भाई का टोरा देखिए, ये कैसे नंबर प्लेट चेंज करवाई है, ये देखिए। और ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ ये करते हैं। साइड मिरर जो है, साइड मिरर उतार के उस पर करेंगे। हैंडल्स हैं, हैंडल्स भी उतार दिए हैं। हैंडल बीडिंग है, साइड बीडिंग भी उतार दिए, क्रोम की जो जैसे ये साइड बीडिंग है ये भी उतार दिए। और ये देखिए हैंडल्स वगैरह सारे उतार के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगे। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहीं से कराएं। आपको मैं इनका एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो दैट कि आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी यहाँ पे आके करवाना। ये फैमिली कार हमारी स्कॉर्पियो N। तो गाइज ऐसा नहीं है कि ये हमारी कार के साथ ऐसा कर रहे हैं कि मतलब डोर हैंडल्स उतार के पीपीएफ कर रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी कार के साथ भी पीपीएफ ऐसे ही कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे अभी भी से ग्लॉस शीट जो ये कहते हैं ये अभी इस पे लगी हुई है, इसकी अभी कटिंग नहीं हुई है। कटिंग होने के बाद आपको पूरी क्लीनलीनेस नज़र आएगी। ये भैया बता रहे हैं कि इनके पास जो ये स्कॉर्पियो N है ये फर्स्ट कार आई है, और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले एक महीने के अंदर इनके पास दूसरी भी आएगी, क्योंकि बुकिंग इतनी है
कि इतनी जल्दी से किसी को मिलती नहीं है, वो तो मेरे अंकल की अप्रोच या भगवान का आशीर्वाद मानी हमारे ऊपर कि हमारी भगवान ने सुन ली। ये देखिए पूरा खोल के अच्छे से सारी फिटिंग खोल के, और इवन इसमें आपने देखा होगा, अब मैं गाड़ी की डिटेलिंग आपको बाद में बताऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। अभी तो बस आप ये पीपीएफ कोटिंग ही देख लीजिए बस। तो ये देखिए पूरा खोल दिया है सारे गेटों की, इनके बोर्डिंग जो है सारे गेटों की बोर्डिंग्स ये खुलवा दी है हमने। अब बोर्डिंग खुलवाने के बाद ये देखिए इन्होंने इवन जो महिंद्रा का स्टिकर था वो भी हटा दिया है पूरी इन्होंने सारी, और हर चीज़ की गारंटी देते हैं ये कि जो इन्होंने हटाया है वो उसको एज़ इट इज़ विदाउट 0.01% भी कोई डिफेक्ट नहीं होगा, कुछ किसी चीज़ का कोई इशू नहीं होगा, ऐसा इनकी ये गारंटी होती है। तो इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप अगर आपको PPF करवाना है तो आप यहीं से करवाएं। ये देखिए गाइस इस गाड़ी की PPF उतर रही है, और जो ये पेंट है एज इट इज़ शोरूम कंडीशन है, जो शोरूम से गाड़ी आती है सेम वही कलर है ये PPF उतार रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए कि इस पे दोबारा से PPF करवाएंगे। ये थोड़ा डल हो गया था सिर्फ इस वजह से उतरवा के अब दोबारा से PPF करवा रहे हैं, लेकिन मिंट कंडीशन है, आप ये भी देख सकते हैं गाड़ी की मिंट कंडीशन है। और आप ये देखिए कितने साफ सफाई से कितने अच्छे से मतलब ये इसको रिमूव कर रहे हैं। तो गाइज यही नहीं कि कोई मतलब क्रेटा या स्कॉर्पियो या ऐसी गाड़ी आती है, ये देखिए यहाँ आई है मर्सिडीज़, नंबर मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकता जस्ट बिकॉज कस्टमर ने मना किया है, कस्टमर को पसंद नहीं है कि हम उनका नंबर ये शो करें, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे आई है BMW, ये भी PPF होने आई है। और ये ई सीरीज E220D। तो गाइस हम PPF कराते कराते थोड़ा पेट पूजा भी करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे तिलक नगर में ब्रिंगटन बहुत फेमस है, इसके बर्गर और स्टफ्ड कुलचा, तो अब हम ये खा रहे हैं। जैसा कि मेरा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और मैं अब ये खा रहा हूँ, आपको भी खाना है तो बताएं, कमेंट करें। तो ये देखिए पूरी इसकी जो एक ऊपर की जो गार्निश थी वो भी इन्होंने बिल्कुल रिमूव करके तब फिट किया है, और छत पे देखिए कोई बबल नहीं है किसी भी तरह का, जो बीच में लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग्स के पास आप कहीं और से भी करवाएंगे तो बबल 101% देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बबल्स नहीं है। आप बेशक जूम करके मैं दिखा देता हूँ, कहीं पे भी किसी तरह का कोई बबल्स नहीं है। और ये सनरूफ है, सनरूफ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने छत पे भी बहुत अच्छी PPF हुई है, छत पे भी कोई बबल्स नहीं है। और जो एक आधा छोटा सा जैसे यहाँ पे है, ये इन भैया ने बताया है कि ये थोड़ा सा धूप में जब रहेगी तो ये बिल्कुल वहाँ से नीट एंड क्लीन हो जाएगी, कुछ भी एक परसेंट का भी कोई बबल्स वगैरह नहीं रहेगा। देख रहे हैं भाई गाड़ी बिल्कुल कर दी अचकाचक, टाइम भले ही लगा है भाई लेकिन गाड़ी होगी अचकाचक। आप ये देख रहे हैं ऐसे शाइन मार रही है जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शीशे में देख रहा हूँ। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे,
इवन जो हेडलाइट्स है हेडलाइट पे भी पीपीएफ हुई है, क्रोम पे भी, हर जगह फ्रंट मिरर है, और जो ये साइड मिरर्स हैं इन पे रह गई है, क्योंकि इन पे पीपीएफ नहीं होगी, इन पे होगी सिरेमिक कोटिंग, जिससे कि पानी आप चाहे कितना भी पानी डाल ले पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बस जितने भी मिरर्स हैं मिरर्स पे रह गई है, सिरेमिक कोटिंग होगी उन पे। भैया चेक कर लीजिए आप गाड़ी फाइनल हो चुकी है। चलो तो देखिए भैया ने कर दिया अपनी तरफ से फाइनलाइज पीपीएफ की। भैया ने कहा है कि चेक कर लो कि कहाँ से अगर कोई कमी है या कुछ भी है पीपीएफ में तो वो आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए गाइस पीपीएफ तो ज़बरदस्त हो चुकी है, रिफ्लेक्शंस आप देख रहे हैं कैमरे में जस्ट लाइक अ मिरर। अभी इन्होंने पीपीएफ की फाइनलाइज कर दी है, पीपीएफ मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दी है। अब ये देखिए ये भैया कर रहे हैं सिरेमिक कोटिंग, ये सिरेमिक कोटिंग होगी सारे मिरर्स पे। ये देखिए गाइस ये कैसे अब सेल्फी लेंगे, ये स्क्रैच कैसे सेल्फी होते हैं, स्क्रैच कैसे सेल्फी अपने आप सेल्फी हो जाते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल अपने आप। आप बताइए मैम अब कैसी लगी आपको हमारी स्कॉर्पियो? बहुत अच्छी है, और जो पहले वाली स्कॉर्पियो थी उससे भी अच्छी है। अब लाइक जैसे मर्सिडीज जीएलएस जैसे निकाली गई है, जो ज़्यादा देखा जा रहा है। और अब आफ्टर पीपीएफ व्हाट्स योर कमेंट? पीपीएफ ये प्रोटेक्ट हो चुकी है वो तो हमें पता है, ये आपने वो तो हमें पता ही, आपने करवाई है आपके यहाँ से हुई है, बट ऑब्वियस है। बट इसमें हमारे भी कमेंट्स यही हैं कि बहुत अच्छा पीपीएफ वर्क हुआ है, इवन सेरामिक कोटिंग भी बहुत अच्छी हुई है, नो डाउट। मतलब आगे रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली, इवन ये देखने के बाद मेरे पास जो मेरी खुद की पर्सनल व्हीकल है मैं उसको भी पीपीएफ और सेरामिक करवाने वाला हूँ डेफिनेटली। तो गाइस ये देखिए हो गई है गाड़ी की बिल्कुल सारी कोटिंग, पूरी सिरेमिक कोटिंग, और ये देखिए क्रोम, और ये इधर से